وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله رضيت بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمد الوسيلة مقاما محمودا الذي وعدته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون सामीन किराम सूरा अल अनाम का एक टुकड़ा
मैं तुहाडे सामने तिलावत कीता। यह मजमून कुरान मजीद कई मरतबा दोहराया गया, सूरा अल अनाम च भी आ, सूरा राज च, फिर सूरा फातिर च, सूरा अल मोमिन च, चार जगह कुरान मजीद से बात अल्लाह पाक ने फरमाई कि अन्ना और सुजाखा दोवें बराबर होंगे नहीं बराबर। अन्ने और सुजाखे की गल जी की आदमी पुछता भी ये तो सारी दुनिया को पता भी अन्ना ठोकर खाता पा फिर उन्होंने किसी शायद का पता नहीं लगता भी की अगे की नहीं, सुजाखे ने सब कुछ दिता। तो अल्लाह पाक ने जी गल मनवाई सवाल करके मैं जरा सोच के दसो भी अन्ना और सुजाखा बराबर होंगे क्यों बयान की, जदों के कुरान मजीद अंदर कोई फजूल गल नहीं, फालतू एक शोशा भी नहीं। तू इना हम क्यों समझा कि अंधा और सुजाखा बराबर नहीं? तो असल बात यह है कि असी जिन्हें अन्ने और सुजाख्या जानने वो ये है भी किसी दखा जड़ियाँ बंद उन्होंने नहीं दिसता, असं उन्होंने अन्ना आने, जिन्हों दिसदा इस दुनिया के अंदर असं उन्होंने सुजाखा आने। कुरान नहीं इन्होंने अन्ने और सुजाख्या, कुरान ने एक होर अन्ने और सुजाखे की गल की है। हो सकता बे एक आदमी अखा बहुत चंगिया दिन के वक्त तारे वेखे मगर कुरान की रोशनी चन्ना, एक जड़ा वो पैदाशी अन्ना होवे मगर कुरान मजीद उन्होंने बसीर और सुजाखा आदा। ये अन्ने और सुजाखे की गल जी अल्लाह पाक ने दोहराई है, ये साढ़े वेखण चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह तारा ने अखा दतिया। अल्लाह पाक कहता जमीन आसमान में मापते फिरते हैं, लहम आरुना अखा है मगर उन्होंने दिसदा नहीं, दिसदा की नहीं मैं सब कुछ वेख्या उन्होंने, एटम भी चीर लै, समुद्र की तह चले गए, आसमान के तारे वेख लै, मगर इस दुनिया का बनाने वाला उन्होंने नहीं दिसया, अल्लाह नहीं दिसया। बल्कि जिन्ना पढ़ गए उन्ना ही इनकार कर लग पा भी कोई अल्लाह नहीं, किसी ने दुनिया नहीं बनाई। इस दुनिया ने उन्होंने वेख्या, इतने के नफे नुकसान के बारे बड़े उन्होंने तजर्बे किए, तो किताबा लिखिया भी आज नफा ए खसारा चाहे फायदेमंद है नुकसानदेह, मगर नेकी और बदी का ना उन्होंने पता लगा भी आ जिस तरह जहर तुम मालूम कर लिया भी ये मारन वाली शाय जिना चोरी दूजे का हक खाना झूठ बोलने तो ज़्यादा मुर्ख है, ये नहीं उन्होंने दसिया। इतों बिल्कुल अन्ने और जिन्ना इस दौर के अंदर इलम ने तरक्की की, इलम मैं कहना इलम नहीं कहना चाहिए है जो जहालत, स्कूल और कॉलेज सब जहालत ना परे है और यो ही जाहिलियत उला सिर्फ पालिश करता जो काफिर आते थे ना कि अल्लाह नहीं कयामत नहीं वो ही गल्ला जरा होर रंग से बयान करते उन्होंने लफज अच्छे अच्छे कर लै है वह जाहिल इलम नहीं। तो ये लोग जोड़े हर शह न वेंदे है आखरत नहीं दिसी, इस दुनिया के नफा नुकसान वेंदे मरण तो बाद जरा आने वाला जिते नेकी बदी का मुल पैना नज़र नहीं आ रहा। और अल्लाह ने यो ही मिसाल रसूल अलैहि सलाम की और आम लोगों की भी दिखी है भाई जो लोग आते थे असी कोल ही बैठे होंने तू आना जबरील आया मैं जन्नत वेखी दो तेनों कुछ चार अखा लगी तो यही आख्या भाई अन्ने और सुजाखे का फर्क है, तुम अन्ने जे ये सुजाखा है आफा तुमारून वाला मा जरा तुम उन्होंने शायद के बारे झगड़ते जो जी अखा ना वेंदा तो नहीं दिसदियाँ कि मतलब यह नहीं वो शाया है नहीं जिमें आम लोगों की नज़र फर्क है भी किसी कोई शायद बरीक नहीं दिसदी दूजे आम अखा का भी हाल है कि नबी नूं तो अख ही वह मिलती जो आलमे गैब भी वेंदा और अगले जहान की गल्लां भी वेंदा। इस तो तुसीं क्यों एक सुजाखे ना झगड़ो, यानी सुजाखे अरने की मिसाल के जरिए अल्लाह पाक ने बेबहा शाया सानू समझाई। और मैं और तुसीं जिहड़े इंसान अखवाने ना इंसान अरबी जबान से अख की पुतली नूं आउंदी, पुतली खराब हो जाए अख बेकार, इंसान जिहड़ा पुतली का काम वेखना, इंसान का काम सिर्फ दीद है, ये वेखण ही आया कि इस जहान नूं अखा खोल के वेख ते नज़र दौड़ा इहदी तैज की नज़र आउंदा, उत्तों नहीं तेनों रब दिसदा मगर हर शायद ते गौर कर तेनों खुदा दा पता लगे। इस तो जिन्हां ने इस दुनिया च रह के गैब च हुंदिया रब नूं पहचान लिया उहदी बनाई कारीगर ने असल सुजाखे वह इंसान है, वह पुतली है इस दुनिया की, बाकी अन्ने उन्हां दी पुतली खराब हो चुकी है वह इंसान नहीं अखवाउंदे। बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद उन्हां नूं आख्या औला इक करना यह डंगरां दी तरह बल मज़हब उन्हां तों वी गया गुजरे, इन्नियां काबिलियत मिली अल्लाह ने इनिया साहीत दिखा तुम आसमान से चढ़ जोगे हो गए मगर खुदा नहीं परदे पिछे तुम दस कयामत नहीं नज़र आई रसूल की सच्चाई नज़र नहीं आई। तो इंसान इंसान ही इस पारों आदमी दी दस्त बाकी पोस्त सुजाखे बनो ए अखा नहीं कोई गल नहीं अंदर दी अखा रोशन करो दिले बीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं ए नूर हो रहा अखा का
अंदर का दिल जरा वे अखा जड़ियाँ उन्हों का नूर होर जिन्हें नहीं खुल जाए ना वह काने होंद भी सब कुछ वेखते उन्होंने हर शहज रब नज़र आता और रब कित नहीं गया रब हर शहज जलवा कर इस पारों अल्लाह के नेक बंदे रूमी फरमाते आदमी की दस पाकी पोस्त ए जिन्ना ना सिर तो पैर खाना पीना कपड़े चंगे ये कुछ भी नहीं ये डंगर भी ये सब कुछ करते तेरे च इको शह जी दीद तय तक पहुँच और हर शह की हकीकत वेख तू वेखण ही बनया और दीद की है दीद तो कई लोगों से ना दुनिया की चीज़ा बड़िया वेहते फिरते दीद आ बाशुद के दीद है दोस्त दीद वो दीद है जी यार विखा दे अल्लाह मिल जाए अल्लाह दया दीदार हो जाए और अल्लाह तला बिल्कुल जरा ना किसी जगह भी नहीं छुपया आया हर शह के अंदर जलवा कर एम एस स्पीकर मेरे सामने ये भी अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम तो पहला सोचा देख वक्त आना तादाद ज़्यादा हो जानी आलम किस तरह गल पहुँचाऊंगी किसे हूँ नहीं बनाया सारिया चीज़ा उदो रख दी हमने पैदल चलते हैं फिर घोड़े चाहिए फिर जाके पेट्रोल चाहिए हर शह बनाई बैठा सिर्फ सानू दिसदा नहीं असी अन्ने जिन्होंने अल्लाह आंदा अन्ने सुजाखे बराबर नहीं होने ये दुनिया के सुजाखे जड़े उत्थे अन्ने हो जाने कुरान पाक चाहता कहे अल्लाह असी तो चंगे भले अखा वाले से तू सू अन्ना क्यों उठा फरना तुम दुनिया से बहने रह इन्ह अखों की करना तू दिसा ना मैं इस तो इलाज हूँ यही है भी तुम अन्ना पैदा करके घसीट के जन्म चाहिए तो वेखना हर शहर वेखना एक नेक सूफी का कौल मेरे सामने आते रब नहीं दिसदा रब तू आना शह दिसी है पहला रब वेख शह बाद वेख इमारत नजर आई है इमारत वाल मगरों ध्यान कर पहला तेरे दिमाग से आना चाहिए फितरी शाय है पहला दिमाग आंदा कोई मेमार से जिन्हें बनाई ए पहला है इमारत बाद चाहती है मगर जो मत पुठी हो जाती है हर शह वेंदा बनाने वाला नहीं वेंदा तो फरमाया अल्लाह नूं देख मा रायतुल्ला शहन इला रायतुल्ला कबला अज के खुतबे पले बन लो कि जिहड़ी शह नूं मैं वेना शह तो पहला मैं वो पैदा करने वाले कहना शह बाद वेखना मैं ऐ दीद जदों पैदा हो गई फिर मुसलम दे फिर उस जाखे से जिन्हें लिए अल्लाह तला ने जन्नत बनाई तो जे नहीं अल्लाह पाक कुरान मजीद जी दूसरी जगह फरमाया सूरा आराफ के अंदर वला का जरा नाल जहन्नमा कसीरम नाल जिन्ने वाले ज्यादा जिन और इंसान जड़े ने उनका हशर दोज़ख थोड़े जाने जन्नत ज्यादा है जिन और इंसान दोज़खी है क्यों लहुम कुलूबुल्लाह यफ़क़हूना बिहा दिल मिले इन्हों उन्हों तो सोचने का काम नहीं लेंगे होर सब कुछ साइंस फलसफे सोचते दीन नहीं सोचते वला माजनुल्लाह युबसिरूना बिहा अखा मिलियाँ उन्होंने इन्हों दिसदा कोई नहीं वला माज़ानुल्लाह यस्मऊना बिहा कन्न हैगे मगर उन्होंने हक की गल नहीं सुनते इहोजिहा नानिया बोलिया और पागलों ने दुनिया पढ़ी पढ़े लिखे होंदे अल्लाह ध्यान ही कोई मरण तो बाद दे बारे कोई नहीं सोचते तो अल्लाह ने ये बारे चार जगह कुरान च आख्या जेड़े सुजाख है इस दुनिया जिन्हें वेख लिया बे इस जहान का मालिक है और वह हर शहर दिसदा जिहड़ी शहर में आदमी वेखे वो हैरान कुन कारीगरी इन्नी कारीगरी ताजमहल से जिनी मेहनत कारीगर की खर्च है ना वेंदे ओ किड्डा मेमार सी एक पत्थर की इमारत है तुहानू आसमान नहीं दिसदे बुरजाण ये जमीन नहीं एड्डी वड्डी विशेष दिसदी अल्लाह तआला सूरा अम्मा या तसाल उन चाहता कट्ठे ही किन्या किता तर्जमा करें हाफिज होवे जैसे तलावत करे अलम नजाल लर्ज़ा महादा वल जबाला ऐ मारी जांदा अल्लाह ते क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए आराम दे बिस्तर नहीं बनाया हमने पहाड़ों के लंगर नहीं डाले हमने रात नहीं आराम के लिए बनाई दिन काम करने के लिए नहीं बारिशें इतने आठ दस आयतें इकट्ठी हुई हैं कुरान मजीद एक ही नमूना इतना बम्बारी हुई है कर कि मोना तुआना कि खुदा है नहीं तेन दिसदा नहीं कि जिन्हें एक एक शहर का ख्याल किया रात तेन आराम ली चाहिए इस तो डिम लाइट कर दी चंद रखिया रोशनी भी मगर ठंडी रोशनी आराम कर सके दिन हरारत चाहिए सी हीट चाहिए सी कमली सूरज पैदा कर यानी हर शह जी है दराई और हिकमत ना बदली इस तो आरिफ ने नेक बंदे ने अगर किया भी मैं शायद बाद वेना पहला खुदा वेना सही नज़र यह है जिन्होंने यह नसीब नहीं हूँ कुछ नहीं पल बिल्कुल अन्ने अन्या तो बदतर अन्या नहीं जाहरी अखा मिली तो सोच जो मिली तो वह भी इन्होंने चंगे इन अखा खुलियां होंगे तो रब नहीं दिस तो अल्लाह तला का होना इन्ना वाजे और रोशन है जिस तो ज्यादा कोई शह रोशन इस तो जड़ी शहर वेखो वे खुदा दिसना चाहिए ए भी दहरीयत की एक शाख है फैलाया जा रहा इनू टी वी से भी आते भी सारी चीज़ों में लोग इधर ही तशरीक करना चाहते ब्याह शह हो गई प्लेटा हिल गई दुनिया हिल गई अकल दे अन्ने सिर्फ इल्लत से बहस करते काज आते अंग्रेजी जबान इल्लत पे किस तरह होया कम
बिल्कुल ठीक आंदे साडा इतना कोई टकराओ ना दीन इस बारे बहस करदा दीन ने कोई बहस नहीं की बदलदे क्यों आउंदे ये अहमक ने बहसा कीतियां भी एक बैल है जिन्हें सिर से जमीन चुकी है जो बदलता जमीन हिल जाती ये दीन नूं बदनाम करन वाले रो दीन इहोजे ठठे दीआं गल्लां नहीं करदा जिद्दां मर्जी हुंदी है ये तरीका इस तरह हुंदा क्यों हुंदी है ये साइंस दे बस दी गल नहीं ये नहीं दस सकदे क्यों होया प्लेटां अगे भी हैगियां हुण क्यों हिलियां किन हिलाईयां ये सिर्फ दीन दसदा ये हिकमत दो लफ्ज़ अलग अलग है इल्लत कोई आंदा बंदा मरिया जी नाली चों दी गोली निकली आके लगी बिल्कुल इस तरह है एक काज है मगर क्यों चलाई है गोली उन्हें पिछों ट्रिगर किने दबाया ये नहीं वे इतों अकल दे अन्न है और यहोजे अन्न जमीन भरी इस दौर से फिसलना बहुत आम ना भाई जे अल्लाह की तरफों कोई शह आँगी जिस तो दिसे भी अल्लाह मौजूद है बिल्कुल ताकत वाला डर जाओ तुम उन्होंने मिट्टी चढ़वा देंगे खेह चढ़ा देंगे गल का असर ही चढ़वा देंगे भी उत्थे बच्चे मरे आ उत्थे बेगुनाह मरे आ इत्थे भी गुनाहगार है गए बेईमान लोग अल्लाह के दुश्मन आ अल्लाह जरा आंदा कि मेरे ते ईमान लियाओ जो कुरान आंदा दिल च बठाओ मैं उंगल भी ऐसे हिलाई तो एवं नहीं आदम की पैदाइश तो पहला फैसला सी सा कितने बैठूगा तकरीर करूंगा इस तो इतने कोई ना कहे कि इतफाक है और चानस है अल्लाह कर रहा यह नहीं ना मनना जो जहाँ खुदा मन का कोई फायदा यह ना तौहीद है ना खुदा खुदा मन लो कि अगर कोई ऐसे मेरे वल वेख रहा वो नहीं वेख रहा खुदा बखा रहा अगर कोई चल रहा अल्लाह चला रहा यह तौहीद अफाली है कि दुनिया से जो कुछ हो रहा खुद खुदा कर रहे और इसने अल्लाह पाक ने यह क्या कोई ना कह कि बिजली गिरी है तो बदल आए ऐ सूरा रात जो मैं थोड़े सामने पढ़ता अल्लाह पाक खुद फरमाता मैं करता तुसीं ना कहो कि अपने आप हो रहा आ हो जाता तो आ हो जाता बुखारात उठे से बारिश हो बुखारात क्यों उठाया अगे भी उत्थे ही समुंदर हवावां मौजूद सी क्यों एक मुनासिब वक्त चलाऊंगा तुसीं सिर्फ इल्लत नूं रोंदे रहिंदे इस तरीके नाल काम होया वह गोली वाली गल पिछों नहीं वेंदे तो दबाने वाले ने क्यों दबाया और इस वे क्यों कम होया अल्लाह पाक इस मौका से फरमाउंदा कि कई लोग मेरे बारे बहस ही कर रहे होंगे झगड़ते होंगे अल्लाह है नहीं मैं मार देना सिर से बिजली उत्थे ही मार देना उन्होंने विखा वेख्या ही होना अल्लाह है कि नहीं है जिसे बारे च अल्लाह पाक फरमाउंदा हुवल लज़ी युरीकुम अल-बर्क़ा ख़ौफ़न व तमअ व युन्शिउ अस-सहाबा सिकाता इस तौहीद ते आ जाओ ये नज़र पैदा करो कि फुल भी सामने आया तो फुल आप नहीं खड़िया मेरी अखा नहीं रब ने खड़ाया कि आऊगा कंपनी बाग सैर करूंगा इन इस तरह ही मैं नज़र आ जाऊँगा इस तो अल्लाह के बंदे जानते हैं मैं फुल ना क्यों मुहब्बत करना ऐ गुल बत खुर संदम तू बूए कसेदारी ऐ सुझाखे बनो कि फुल वेख्या सुंघया फौरन सुभान अल्लाह किया कि मेरे नक लाया तो नाल उसकी डिमांड पूरी कर दी जिस दिन सुंघन की ताकत दिती है खुशबुआ ना भर दिता कान लाए आवाज़ा रसीलियाँ पैदा कर दी अखा दितियाँ खुश मंदर पैदा कर दी पर मैं हो अल्लाह जी यूरीकमल बरका खौफ व तमा तुम आते बिजली चमकी है वो खुद चमकाता है यूरीकुम खुद दिखाता है तुम्हें ताकि दो चीज़ें पैदा हों खौफ व तमा डर भी जाओ कि बिजलियाँ वो को जो चाया गिरा के मार देना उन्हें तो नाल आस भी हो जाए बिजलियाँ चमकदियाँ हूँ बदल आए गहरे बारिश होनी पर मैं दोवें रंग रब दे दिसदे रहमत भी उस जी नज़र आँदी है चमकती बिजली कि बारिश का इमकान है तो नाल खतरा भी है भी आप ही ना तो रहना कख नहीं यही दो शाना सारी कायनात जलवा कर है अल्लाह के बारे जिन्होंने निचोड़ बनो लोगों ने कि रहमत फड़ ली है गज़ब नूं भुल गए ये ठीक है गज़ब नालों अल्लाह की रहमत ज़्यादा मौका दिंदा बंदियां नूं तौबा दा मगर गज़ब तो खाली नहीं बिल्कुल नाराजगी का भी पहलू है प्यार भी करदा इंदा ते थप्पड़ भी मारदा है फरमाया वही है जो तुम्हें चमकती बिजलियाँ दिखाता है ताकि तुम डर जाओ और उसकी रहमत की उम्मीद भी पैदा वह युनशो सहाबे सिकात तुम आख्या जी बदल आ गया हवा चले नहीं आए नहीं युनशो वो पैदा करता आप उन्हें आख्या बुखारा उठो दिता चढ़ो दे बदल वो भारी बादलों को पैदा करता ऐ तौहीद नहीं मन्नी ते जे आंदे खुदा है नहीं उदां दी गल है बहगा सी हुण कुछ नहीं दखलो दे कुफर तो कट नहीं बिल्कुल बेईमानी और कुफर दी अखीर है हर चीज मनो कि गया किथे कर रहा काम ये गड्डी दौड़नी नहीं दौड़ा रहा है पेट्रोल के जरिए भाई सब और रात बहमदई तुसी आख्या कड़क होई है कड़क नहीं हुई रात ने अल्लाह की तस्बीह और हमद की और गरजया ताकि तुम दसे कि मेरा रब ऐब है और खूबियां का मालिक मगर इन सुन दे जिन्हों के कान ठीक है दूजे जिन्होंने आख्या कि जहन्नम जाएंगे उन्होंने फरमाया कान है गए होर सब कुछ सुनते आवाज़ नहीं सुनते सुबहान अल्लाह बाबे हमदे ही नहीं हर शहर नजर आता हालांकि अल्लाह के बंदे आते असी तो बूटी उगती है हर गया है क्या जमीन रोयद
वाहदा ला शरीक लहू गोए। तू मुअज़्ज़िन को सिर्फ वाहदा सुनना, बूटी जो सिर कढ़िया उन्हें भी दुआई देती है कि वाहदा ला शरीक, मैनू बनाने वाला करला किसी का दखल नहीं, और तुहाड़ियां जरूरतां पूरियां कर ली, कि तुहाड़े जानवरों नू चारा मिले, तुहानू खाण नू फरूट मिले, किन्ने बंदोबस्त कर। हाँ सवेर वेले ही कोई निकल जाए बाजार जाके वेखे कि फ्रूट की दुकान किवें टोकरियां नवें तो नवें फल, उन्होंने रंग जुदे जुदे, खुशबुआ जुदियाँ, मजे जुदे, पैकिंग जुदी। तू ये समझना कि आपे हो रहा इतना ही कह दे है नहीं गा, जे हैगा ना तो शहन बाद वेख, पहला मेरा हाथ वेख के कौन है वो दस्तकारी कर। मैं तुम हूँ बैठे साधी रहमतुल्ला फरमाऊंदा, तू अपने आप वेख के कर दस्त बर आप सूरत गरी। पानी जे एक बूंद से लैके किन्ने तस्वीर बन दी, क्या पानी से भी तस्वीर बन दी। एक कतरा लिया मां दे रहम च लै गया उस फैक्ट्री तेन बना के वह कर दिता, भाई कई शक्लों में वेख के लोग उन जी बेहोश होंगे, कह रहे सोने ये सब मेरे रुकम बिल आराम है कैफा यशा। बच्चे बनते नहीं आप तस्वीर बना, उत्थे मुसवर लगा काम के अंदर। असल तो ही है जी अल्लाह के पैगंबरां ने सिखाई कि इंसान ना पुतलियां ते पुतली बनता, वेख्या कर हर शायद खुदा का जलवा। फरमाया राग उसकी तस्वीर करता रहमत कर, उसकी गलत दसती है कि मेरा चलाने वाला जरा कोई खामी नहीं, खूबियां का मालिक। वल मलाइका तो मनखी फतेह, और वो फरिश्ते भी वो खौफ ना हर वक्त तस्बियां कर। ए फरिश्तों के बारे जुम्मतों को बड़ा मुकाबला लगा, अल्लाह के रसूल और नबियों ने जो दसिया भी अल्लाह तला फरिश्तियां कोई काम लै रहा, कोई बारिशा बरसाते, कोई खेतियां उगाते, कोई जाना कब्ज करते। हिंदुओं ने देवते बनाए, 33 करोड़ फरिश्ता जरा उन्होंने देवता बना लिया कि हूँ फिर इन्हें कोई मदद मंगनी चाहिए, महकमे जो इन्हों के हवाले इन्हें कोई सब कुछ मंगना चाहिए। यह नबिया वालिया का जमें लोग पखंड बना लेंगे, नबिया वालिया तो कितने उम्र थोड़ा अल्लाह ने कोई मौजा दिखा दता, उन्होंने को हों ना कोई ताकत ना। फरिश्ते तो वाकई करते, सारा जहान उन्होंने हथी चल रहा। इस तो हिंदू गुमराह हो तो गुमराह होने का मौका सी कि जोड़ा बारिशा बनाऊसा उस देवता को आखो कि तू मीह वरसा, वाले को आखो तू हवा भेज दे। अल्लाह ने वह मुकाबला क्ढ़िया कि बाद मुकरामून ला इस बेकूना बिल्कुल है जे तुम सच्चे जे कि फरिश्ते काम करते, मगर फरिश्तों की हैसियत मजदूर दी, फैसले च उन्हों का कोई दखल नहीं, वह एक कतरा भी नहीं बर सकती। ला इस बेकूना बिल्कुल वहम बेमरे यामन, वह अपनी तरफों वध के अल्लाह तजवीज़ भी नहीं दे सकते ब्याह होना चाहिए कि नहीं। वहम बेमरे यामन, उन्होंने तो जो हुक्म मिलता वह काम कर। इस पारों अल्लाह ताला फरमाउंदे जो करना व युरसिल सवायका फयसीबु बिहा मन यशा वहुम युजादिलूना फिल्ला। ये जी आते बिजली पई है कड़क, मैं भेजता हूँ आई नहीं भेजी, मैं हटिया नहीं वेदे नालों, वो मैनू वेखो। फयसीबु बिहा मन यशा मैंने बा दे मन यशा, जिदे ते चाहुंदा मैं उत्ते पा दें, कुछ बच जाते जिंदी किस्मत आई होंगी पै जी। वहुम युजादिलूना फिल्ला, वह ना मुराद यो बैठे बहस कर रहे होंगे बेला है नहीं गा, वो यही कह रहे होंगे सिर पर पी है खत्म करते। वह वाह शहजीद उल महाल, वह बड़िया ताकतों का मालिक है, कोई ना समझे बे समान तो लैके यार एडा वा ध्यान है, ज्यों ज्यों दूरबीना ईजाद होंगी है तो कायनात की वसत ही नहीं पता, इन्हें कला समाज डाला। इतों भी शिरक पैदा होया तो रब कला कितना चला होगा, जिम्मे बादशाह ने अपने गवर्नर रखे है कमिश्नर है, मुशरक यही मिसाल देंगे ना, इन्हों का पट्ठा इतने बनता नहीं, अल्लाह तला भी रखे डीसी कमिश्नर, अल्लाह को कोई मुताजी है वह डीसी कमिश्नर इस तो रखे है तो हुक्मरान गरीब कला करना भी चाहे नहीं संभाल सकता। वलम यकुल लहू वलीयुन मिन्हुम, यह कुरान पाक की आयत है सूरा बनी इसराइल दे आखर, इनू कहा जाता आयतुल इस। अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर फरमाया मेरा कोई शरीक नहीं तो ना मैनू किसी हिमायती से मददगार की लड़ है। वलम यकुल लहू वलीयुन मिन्हुम, मैं कोई माड़ा होवं कमजोर होवं कम ना चलता हो मैं अपने नाल रखा, मेरे नाल कोई नहीं। कब्बेरो तकबीरा, वो रब की शान बहुत उच्ची समझ, तेरे अंदाज़ों पर है जेडे तू गल्लां करदा ना, नाल मिसालां गल्लां सुनिया। कहिंदे जी पौड़ी चाहीदी कोठे ते, ओह पौड़ियां नूं रोना खुदा कोठा ज़ालमा अकल कर, नाल मिसालां गल्लां सुनिया ते रख दियां फर्क वधेरा, ते ओ पाक मिसालां कोलों उसदा शान उतेरा। अरबी दा मैं पंजाबी च कह रहा कब्बेरो तकबीरा, उहनूं परां समझ, जिथों तक तेरी अकल गई उदों भी परां समझ, तू इन्हें छोटा जा समझ के अंदाजे ला लै तो उन्हें अपने नाल रलाया कोई लोड़ नहीं उन्होंने। और ऐत ऐसी उमदा, मैं कल गड्डी जी बयान किया तो बच्चों ने उसे वे लिखवा ली दुआ, तुम भी रमजान का तोहफा समझो, हर बंदा फजर तो बाद इस दुआ पढ़े इंशाअल्लाह। जैसा मैं हदीस के अंदर पढ़िया कि रसूल करीम ने एक सहाबी ने वेख्या कि वह नहीं आया, देर बाद आपने कहा की हाल तेरा, उन्हें आख्या फाके अरबी मारी ने बस कर दी,
ना बीमारी जान छड़ दी है ना गरीबी छड़ दी। फरमाया फजर वाले एक बारी तू कह दिया कर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अलजीम हैं तवक्कल तो अल हय अलजी ला यमूत वलहम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्यन मिन अज़ली वकब्बिरहु तकबीर। चला गया और कुछ मदद तो बाद मिलया। फरमाया सुना क्या ना या रसूल अल्लाह बीमारी रही है तो ना कोई फाका रहा। ये वो आयत है कुरान पाक जी ने अल्लाह ने आख्या अल्लाह नूं समझण दी कोशिश करो। तुसीं एवें अपने पैमाने वाला मापे रहिंदे कि अल्लाह ही डाक चौधरी होगा और छड्ड दे गल्लां। ये नबी वली फरिश्ते कुछ भी नहीं, ये उहदे आजिज़ बंदे आ, उहदे हुक्म नाल चल रहा जहान उहदा। वह बहुत बड़ा शदीद अल मिहाल, उहदियां ताकतां दे अंदाज़े एवें थोड़े ना लाया करो। ये वो पाक मिसालां कोलों उसका शान उतेरा, बहुत उच्चियां शानों का मालिक। इस तो दुनिया के अंदर जो हो रहा है इहनूं सुजाके समझ के वेखो। कोई काम आप नहीं होया, जलवराज खुदा ने पैदा किया। और कुरान मजीद ने सूरा अनकबूत फरमाया, बहुत कौमों का जिक्र किया, बहुत सारों के बयान करके ना नूह इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अखीर की फरमाया ऐ समझो वीवां सिपारा तकरीबन खत्म ही होने वाला सूरा अनकबूत फकुल ना खजना बेदमे सबन फिर असें उन्होंने गुनाह च पकड़ लिया। मैं कोई बेरहम और जालिम है क्या? मैं लोगों को तंग करदा रहा उन्होंने गुनाह परों पड़े नहीं हटे, बाद नहीं आए, बड़ी उम्र दिती, बड़े उन्होंने खाण पीन के सामान दिते, बदमाशियां करते रहे, बचे भी ना एवें खुश हो जाए। बस पाक हाँ ये समझो एक इलाके फल लिया तो भी फल लेना, इन हिलाता सी फैसलाबाद ही हिलिया ताकि पता रहे पर तुम कोई एडे मुकदस नहीं तो ना इन्होंने चक्कर से पै जाओ। बने जी वो ही गुनाहगार से, मगर याद रखो जरा इस जहान चला लिया ना जालिम है ना वो नादान है ना बेरहम है, बिल्कुल हिकमत और रहमत के मुताबिक जो कोई काम होंगे उस वे कर। इन ऑपरेशन समझो जरा नागजीर हो जाएगा कि खराब हो चुका हिस्सा कट देना चाहिए। ए हूँ ही मास्टर साहब दस दे असं इस तो पहला गए थे बच्चे स्कूल के टाइम छड़ के छाते होटल की तो जा रहे थे, मैं पूछा भी कि उन्हें आख्या सैन उत्ते फिल्म चल रही उन्होंने वेखन जा रहा मुजफ्फराबाद की गल स्कूल छड़ता एन स्कूल टाइम उत्थे जा रहे। इस तो उत्थे की एक गल हर जगह ही है जिते तुहाडे कुड़ियां मुंडे वेखो फिल्म अगे बैठे टीवियां अगे बैठे केबल वेख रहा है और नंगियां फिल्म किराए चले जाते। इतने एक आदमी से चला गया हूँ इधर डी ग्राउंड, मैंने उन्हें आख्या मौली साहब तुम पुछो भी ना दीनदार घराने दी बच्चिया बुरके पा के आदियाँ और सानू आदि नंगियां फिल्म और रात जाके अपने घर किराए से चला। इस खुदा कितने अन्ना बोला इन्ना हुआ समील बसीर, हर शह सुन रहा और हर शह वेख रहा। उन्हों जो लोग समझते वो सौ गया कि दुनिया ने बना के गलत मेरे तुहाड़े सब के पिछे है और एक काम ने भी नहीं कहना। यह हर बंदा तौबा करके उठे कि आपे होया जिन्हें आख्या ना जल्ला है हो गया काफर है, इस्लाम नाल दा कोई तलक नहीं। अल्लाह ने जमीन में लाया अल्लाह फरमाउंदा फकुल ना खजना बेजंबे इनिया कौम गुजरिया तो उन्होंने इलाके वीरान पै तो तुम उतों जाते भी जे मक्के दे लोग सफर करते जो तजारत का कौमे लूत के इलाक गुजरते थे कौमे शैब के इलाक अल्लाह क्या उस सड़क से आते हैं इन्ना हमार लबे ना में उधर नहीं सड़क जितनी तुम रोज़ गुजरते है नहीं क्यों तुम्हें वीरान हुए इलाके नहीं नजर आते कि खुदा ने क्यों करता फकुल ना खजना बेजंबे सबनों असं उन्होंने गुणा की शाम फड़िया जो अखीर कर देंगे नहीं बाज आते मैं फड़दा है अपने आप नहीं हम पकड़ते हैं फमे नमन अरसल नालैम हासिल किसी ने इस तरह तबाह किया कि जोरदार आंधी भेजी है जेद जिन्हें संगरेज पत्थर पत्थर वाली हवा आई है तबाह करके और कौमे आद के बारे चला पा फरमाता अठ दिन और सत रात इस तरह चलती रही भी उन्हें कोई शायद नहीं छी फाल तरह लहमन बातिया एक जी भी उन्होंने चुनी बचिया पूरी कौम तबाह करती और हूँ भी उन्होंने इलाका सऊदी है जो रुबुल खाली है और चौथा हिस्सा जरा उ ना आबादी है ना कोई दरख्त है ना कोई वर्ण की जरूरत कर जहाजा के जरिए जाके लोहे बन के लोहे दिन तारा ना उतारे भी रेत पता लगे तारा गल गई और पता ही नहीं लगा कि उस शाह किधर चले गए लाटू जिले पुरपुरी रेत अल्लाह फरमाता थानू पता नहीं लगता जे समझदा बेला तला जरा उन्हें बस दुनिया बनाती होनी वह अन्ना वह सुजाखा नहीं खोल के अखा रहो कि अल्लाह तला पूरी तरह इस दुनिया की निगरानी करता तो कई असी जोर की आंधी भेजी जिन्होंने पत्थर बरसाए वामे ना मना खा तो सहा कि एडी जोर की आवाज आई जल खुराक होया खा हो इलाके तबाह हो वामे ना मन खसा फला बेलर कई योजना जमीन से साथ वह आबादियां लभिया ही नहीं
डेड सी जरा बहरे मैयत है उत्थे लूत अलैहि सलाम की कौम की बस्तियाँ और हुण भी तह च उतरदे लोग जिहड़े गवास तो वेखदे वे दरख्त अजे भी हैगे जिहदे विच थां डुब्बे होए बाग अल्लाह फरमाउंदा जमीन च उतार देना मैं वह मैं नमा ना रखना और कईयां नूं डोब दिता पानी के जरिए सैलाबों से बर्बाद हो गए वमा कान अल्लाह अलैहि वसल्लम अल्लाह बिल्कुल किसी कौम से जुलम नहीं करता उन्होंने कोई शुगल छबा सीधा है कोई तमाशा जिसके जरिए तफरीक करता कहीं नहीं दुनिया मर गई और बच्चे यतीम रह गए ये शुगल किया उन्हें अल्लाह जालिम नहीं वला किन कान वन फसम यज़लमून लोग अपनी जाना से खुद जुलम करते ये सबक किन याद किया अल्लाह के रसूलों ने याद किया नबिया ने याद किया और उन्होंने को बहन वाले ने याद किया जिन्होंने एक एक शहर वेख्या बगड़ा पीड़ भी हुई ना दर्द गुरदा या मेरी उंगल मामूली दर्द एवं नहीं हुई रब ने की मैंने यदि वजह मारूम करनी चाहिए रब को माफ़ी मंगनी चाहिए वो सुजाखी से अखा फौरन असर लेंगे सी खुशी की गल आई अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने सजदा शुक्र साढ़े सुन्नत करार देता को करदा खबर मिली या तेरे पुत्र जमने सौदे च नफा उस सजदा कर बगैर वजू तो बगैर किबला रुख हुआ सजदा शुक्र अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने सुन्नत करार देता कि लोगों सजदा करो कुछ नहीं होया ना तुसी कीता अल्लाह ने जेडे अल्लाह नूं वेखण लग पैंदे ना वो बसीर है सुजाखे दूजे अन्ने वो फिलासफर है दानश्वर जो मर्जी है मलून है रद्दे है दोज़ख दा बारण है जिन्हें खुशी च वेख्या मैं रब हसदा नजर आउंदा ये खुशी की खबर आई है इस तो खुश है मेरे ते सजदा शुक्र शुक्र दा सजदा सहाबा किराम भी करते खबर मिली भी वो मुसलमा कज़ाब कतल हो गया अबू बकर सिद्दीक ने सजदे कर असं ये सब गल्लां तौहीद ने अल्लाह नूं मन्ने अल्लाह दा पता लगा भी है मर्द औरतां कि जरा भी वेखी है खुशी की गल सही जी देख अरश तो आई अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम जो बारिश होंगी कपड़े उतार के उतरे निकल जाते अपने बदन से मलदे और नाल फाउंदे हदीस आदि मरबे असं यही आखना बदल आए तो मीह पै गया पर मैं बदल नहीं आए लियादे अरश तो उन्हें इन्ना हदीस आदि मरबे ये ताज़ा ताज़ा मेरे रब को एक कतरा आया सुनिया लैके आया यार का पैगाम ये कि तेरा रब मौजूद है जरा तुम्हारिया मुश्किल हल करता तुम्हारिया खेतिया पानी का इंतजाम करता तुम्हारे ज हजूर पा के कर साहबा किराम रसूल करीम अलैहि सलाम का उसवाए तो जरा नाराजगी देखी उस देख लिया कि मत्थे दे वट एक गल जी दस दी है कि अल्लाह गज़ब नाराज है फौरन इस्तिगफार किया तौबा की माफिया मंगिया ये तरीका जी तलकीन कुरान करता मगर ये तो खाली आ रहा है बड़े बड़े दानश्वर कारम लिख रहा है जल्द इस तरह आंदे इस तरह तो आंदे आंदे क्यों कौन क्यों करता करन वाला इस तरह हिकमत से बहस नहीं करते जिड़ी कुरान और सुनने का मकसद इल्लत कोई शह नहीं बया दीवार डिगी दीवार हटा के मर गए सबब है किसी बंदे ने धक्का दिता तिरते सिटी वो पिछों नहीं दिसा अल्लाह नहीं वेखन की कोशिश करके जिस पारों दुनिया न्याणा भर गई दीन चाहता अखा खोलियां जान हर मर्द और रोजाना वेखे इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाउंदे मैं तो अपने जानवर तो सिरे पहचान लेना कि रब राजी कि नहीं जे घोड़ा ही दुरते मारदा या मझ नहीं दुद्ध नहीं मैं समझदा रब नाराज हो उन्हें डकता ही की मिजाल है कि ना दे नज़र है जी खुदा पैदा करना चाहता और इदा का सच्चा तैलुक रब ना जुड़ जाए ना कि हर शह च नज़र आए कि अगर आ चीज़ है तो खुशी की खबर है इतने मैं अल्लाह तला सामने सजदा शुक्र करा अलहमदुल्ला पढ़ा और आ कलमा जरा सिखाया गया इन तक कोई पकाले फरमाया तेरे ते करोड़ नेमत ही होगी ना तू एक बारी सच्चे दिनों कह देंगा सारी का शुक्र अदा हो गया पहुंच तुहाडे बस की गल नहीं शुक्र करना क्योंकि दाऊद अलैहि सलाम ने जो अल्लाह ने आख्या ए मलुआरा दाऊद दा शुक्रा दाऊद के घराने शुक्र करो दाऊद अल्लाह के पैगंबर से अलैहि सलाम उन्होंने आख्या अल्लाह शुक्र तेरा किदा करा जिस जबान ना करना तो जरा अलहमदुल्ला कहना वह भी तेरी मेहरबानी होनी उत्ते होर शुक्र करना पै जाना भी किन्ने बेईमान है जेडे इधर नहीं आते तेरी मेहरबानी मैंने लाया उत्ते गाह शुक्र लाजम हो सिलसिला लामुकना ही मुसलसल है मुकना नहीं कि अल्लाह ने आख्या हूँ दाऊद तू समझ गया हूँ शुक्र तू मेरा अदा किया जो समझ गया मेरा शुक्र नहीं हो सकता है मगर हल किया अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने नेक लोगों ने आख्या कह दिया करो अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हालन कसीरा कोई हाल भी मेरा होवे मैं हर हाल च अपने रब की तारीफ ही करनी गिला नहीं कर सुख आवे दुख आवे अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल कसीरा और वह भी थोड़ा नहीं करना बहुत गुण गाँवते रहना जपते रहना वह ना ले जाना दुआई दे जानी मैं तेरे तो प्यारा सोना की है तो जिमें अरबी जबान की कहावत है हर बंदा इन्हें जमा भी वेखता कि जिस शहर जिन्ना प्यार हों उन्ना ही बंदा वह ना ज्यादा लेंदा मैनू जिदा ही हो जाए बुरा हो जाए या नेक हो जाए प्यार आपे ही महबूब का जिक्र कराऊंगा मन अहबा शहन अक्सर एक
जिन्होंने पैसा ना प्यार हर हिसाब यही है भी मंडी का हूँ की भाव उधर की हो रहा हो गए प्यार ज होया जिदे ना प्यार हो गया अक्सर जिक्र उहदा कर। और रूमी ने मैनू तुहानू शर्म दिलाई है जिहड़े अल्लाह नू मन्नदे दावेदार होए दे रसूल क्या शर्म करो दीद मजनू रा या के सहरा नवर कोई आदमी जंगल च फिरदा सी उन्हें मजनू नू वेखिया मजनू मशहूर हो गया पागल हालांकि शहजादा से अपने कबीले का बनू आमिर का कैस दीवाना होया तो जंगल च बैठा दीद मजनू रा या के सहरा नवर ए शर्म दिलाई है सानू नमाजियां दे रोजेदारां नू दीद मजनू रा या के सहरा नवर दर बयाबान ए गमश बन शस्ता फर अपने गम और अपने प्यार दी दुनिया कला ही तनहा बैठा दुनिया छड़ के भुल गया हर शह नू बैठा रे कागज बूद अंगुश्तां करम रेत नू उहने सफा बनाया सी साफ करके कलम जिहड़ा सी उंगल नू बनाया मेरे नवी निश्ते बहरे कस नाम आ रकम किसी के ना खत लिख रहा है। मैं पूछया उन्हू गुफ्त मैं मजनू ने शायद आ चीज थी वो पागल मजनू की कर रहा मी नबी सी नाम बहरे कीज थी किनू खत लिख ला गुफ्त मशके नाम लैला मी कुनम खातरे खुदरा तसली मी दिया उन्हें आख्या कुछ नहीं खत की लिखना लैला लैला लिख के वे ना की मश्क कर रहा और अपने दिल में तसली देना चलो ना तो वह लिख रहा तो म रूमी फरमाते इश्के मौला कह खमद लैला बाज और रब दे आशको डुब के मर जाओ औरत की मुहब्बत इतों तक लै गई तुम रब दे आशक तो रब याद ही कभी नहीं है फ्रूट खाते अलहमदुल्ला नहीं किया दुध पीते नहीं किया गड्डिया से सवार होया तेन शर्म नहीं आई तू कि उन्होंने याद किया है इश्के मौला कह खमद लैला बाज रब का इश्क म लैला दे इश्क नालों भी कट गया कूए गश्तन बहरे औला बद वो औरत की खातर जंगा खाक छानता रहा तू रब की खातर गलिया जना पा सकिया दीवाना होके पाउनो और ये भी अल्लाह ने इंतजाम किया यकीन जानो दीवानियां दा ऐ सारा काम दीवाना अकलमंदा दा दीन तो कोई ऐसा नहीं जेडे दुनिया के अकलमंद जेडे दीन दे अकलमंद है दुनिया के अन्ने उन्हां लई है रमजान शरीफ की है पागलों का मैं बिल्कुल ये जनून की हालत है खाना चढ़ देना पीना चढ़ देना सारे का चेता भुल जाना और ज्यों आना इतकाफ के दिन आ रहा है कल परसों सारे चढ़ चुड़ के बिस्तरा बनना आके जिमें कबर जाके बह जाना तिया पुत ही भुल गया बह गया जिम्मे उत्थे आखदा ना दुआ कुरान शरीफ के आखिर से अपने तमियां फरमाते जदों कुरान शरीफ खत्म हो लिखी होंगी कुराना दुआ बड़ी प्यारी है अल्लाह मान सती खबरी जदों मैं कबर च कल्या रह जाना ना कोई भैन होना ना भरा होना अल्लाह उस तू मेरे नाल उसे दिल लाने लिये कोई चाहिए जे ना गल करा जे ना कोई प्यार करा तू साथी तो बिल्कुल और फिर जो हाल हो गया खाने पीने छुट गए घर छड़ के मस्जिद आ गया फिर इजाजत हुई हज के महीने शुरू कैसा रब ने जोड़िया हज का महीना बिल्कुल ना जोड़े तो पहला हज नहीं कर सकता उमरे कर सकता जो मर्जी हज का आराम बन सकता रोजा तो बाद जो दीवाना बन गया मजनू बन गया हूँ इन्हें आख्या भी कूए यार तो चाहिए गली चाहिए यार दी जावा उसका कोठा ही नजर आवे उसे किसी चाय में चमड़ जावा बोसे दया रब ने इंतजाम कर दिता मैं हाँ हूँ मौका आ गया चलो हजली काफले चल लो और बिल्कुल दीवाने खुशबूं छड़ दतियां वाल बद गए असी तो हजामत बनवा के जाने फिर भी आन ठीक ठाक हो हालांकि इबने उमर रजीला तैन से ज्यों रमजान शरीफ मुकदा सी छड़ देते वाह ना मुड़ दाढ़ी ठीक करनी ना सिर करना हज तक ओ पागल हो एडे एडे वाल कई जूं पै जाते वो दीवाना कोई बने देना मुसीबत से भी हर कम तो रस्मी रह गया पागल बन जाते और पागलों की तरह ही दो चादर अच्छा भरा लिबास उतारता पैंट कोट उतरिया कमीजा उतरी एक चादर उत्ते लै रही सौदाइया चेड़ बन ली खुशबू छड़ दिती है चल पिया किसी शहर में छेड़ता नहीं अपने नारे मारता तुरै जाता उत्थे गया घर के दुआले पौं जाता कि चंबड़ जाता कि चुमदा फिर अमुर वाला दयारे दयारे लैला कब्बे लो सल जिदारा बदल जिदारा मजनू आंदा मैं जो लैला के महल से गुजरना कभी उठो दे मकान चुमदा कभी उठो चुमदा तो ना आंदा वा माँ हुब दयारे शकफना कलबी हाजिया की गल करो तो मजनू का बिच लफजी ना माँ हुब दयारे शकफना कलबी और मक्के दे पत्थर ना सानू प्यार वरा किन हुब मन साखा ना दयारा जरा उस मकान च रहा प्यार वो आया जिन्हें कहता है मेरा घर इन्ना कहता घर से सारे वो ही है मालिक मगरों बैत जाके मेरा ऐ मेरा सुनया लोग दीवाने हो काफला दर काफला सवारियां मुक गईयां हुकूमतां नूं कोठे बनाने पै गए बिन दीवाने ज्यादा इन्हें नहीं भेजे जा सके हज च दीवानगी शुरू हुई रमजान हज च मुकम्मल हो गई मुकम्मल दीवाना हो गया
तो रब ने जिन्हें वेख्या हर शायद कि असं उन्होंने काफर चो नहीं जड़े बनाता तो हूँ आपे चल रहा कोई हूँ भी चला रहा हर कम खुद करता पौधा च पौधे उगा रहा फोलिया वो रंग भर रहा तो बिचे रह गया मिसरा ए गुल बत खुरसंदम तू बूए कसे दार फुल असी भी सूंघते हैं इतने ही मरते बड़ा नरवा मगर हर पाता ए फुल मैनू फिरना प्यार था दे तू मेरे यार की खुशबू दिखा जो तेनू सूंघता ना महबूब की खुशबू महबूब आद अल्लाह नजर आता तो किनू यह फिक्र सी जे इन्हें नक् लगा तो खुशबू भी देनी चाहिए सूंघे तो खुश हो जाए दिमाग मुत्र हो जाए इन्हें इंतजाम किए और अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया आ तुम मैं कुले मा साल तुमू कई बार डॉक्टर फैसला सारे आख्या भी अल्लाह ने की आख्या जो कुछ तुमने मांगा अल्लाह से अल्लाह ने वो तुम्हें दे दिया ना? दे दिया मंगया नहीं बिन मंगया देता मंगने का मतलब जड़िया भी जरूरत तुम्हें पैदा होनिया सी मैं पहला तो उन्होंने इंतजाम करता कि सांस चाहिए ऑक्सीजन के समुद्र पैदा कर दी पानी चाहिए जखीरे पानी देने चाहिए खुराक चाहिए फ्रूट रगले लिबास चाहिए खुशबुआ जो जो मंगे तुमरा जो थोड़ा जिसम के तकाजे से दे रौ दिल बकसे दे रमजान का खुशबा जुमा तो मेरा दिल इस वे अल्लाह की मुहब्बत ना भोर है बयान नहीं हो सकता लफ्ज़ साथ नहीं देते रौ दिल बकसे दे के दर तवारे वजूद बातुबूदास बातुखातबू जा जाके दुनिया की मुहब्बत छड़ दे प्यार कर उस जाते पाक ना जड़ी जदों तू तुरै तो जितों तक जाना ना जन्नत दो तुम हर वक्त तेरे नाल रहा तो हर शायद तेरी जी तेरे मुहैया करता रहा लुथे तू ना गुफ्ता है मामीश नू तेरी मेहरबानी उदों भी साड़ियाँ दरखास्तां सुनती सी जदों असी जबानों बोल भी नहीं सकते साडा वजूद ही नहीं कह सकते ब्याह चाहिए तू बिन मंगिया सारा कुछ दिता इहोजिहा खुदा ना मुहब्बत ना हो होर की चाहिए तो रसूल करीम अलैहि सलाम ने जो सिखाया जरा ग्रहण लगा सी आने जी और फलाने इलाके जिस तरह वेंदे रहिंदे तमाशा नहीं हजूर पाक उस वे ऐलान हुंदा सलात जामिया आ जाओ मुसलमानों अजान की बजाय कलमा हुंदा दुनिया कट्ठी हो जाती मस्जिद और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दो रकतां पढ़ाउंदे इस तो मस्जिद जाओ बीबियां करां च पढ़ो नहीं जमात मिली करा जदों ग्रहण वेखो चंद सूरज कोई तमाशा नहीं पर पसे परदा लांदा कि अगर मैं रोशनी मुअत्तल करना कित्थों लैओ जरा बिजली रुक जाए जान से बन जाती कि नहीं एक कभी कभी इस तरह इंतजाम कर एक कह देना जमीन में आ गई तो ठीक है इदा करता वो जमीन में दरमियान लिया क्यों दीन हिकमत बयान कर यो कब फुल्ला बेहा अदा अल्लाह के जरिए अपने बंद खबरदार करता कि याद रखना इस दुनिया का बादशाह और ये सारिया चीज़ा वे कब्जे तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम दो रक्त नमाज पढ़ और आम नमाज तो जुदी होंगी याद कर लो सारे ये इशारे समझा करो कि झंडी हिलाई है ड्राइवर ने कायनात का मालिक इशारे कर रहा कि मैं खुश और नाराज हाँ वो मुताबिक चलो खुश है तो मंग लो उसे कुछ ना कुछ नाराज है डर जाओ माफिया मंग दो रक्त और दो रक्त रसूल करीम अलैहिस्सलाम दो जो रुकू दो सजदे दो जो रुकू हर रखते हो जाते अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह पढ़ी अलहमद शरीफ पढ़ी सूरत पढ़ी सूरतं भी लंबिया ताकि ग्रहण उदों तक हट जाए लंबिया कई बेहोश होकर डिग गया पानी के चिट्ठे उन्होंने मारने पे फिर रुकू चले गए और जिनी देर खड़े रहे थे उन्ना ही लंबा रुकू समझ लिया कि ग्रहण हो रहा कर रहा अपनी ताकत विखा रहा फिर खड़े हुए अल्लाह अकबर समय अल्लाह नहीं अल्लाह अकबर फिर अलहमद शरीफ सूरत लंबी फिर रुकू फिर सही देगा और बाद सहाबा किराम रजान आदमी ने जो वेख्या ग्रहण लंबा किसी ने तीन रुकू किए किसी ने चार किए पंजा तक आया पंजा तक रुकू कर सकता आदमी एक रकत यानी चुक दे जाओ रब के सामने अपने आप को आज दर्द बस मन कि हमने चाहे कांटा दबा दे कोई शह नहीं तुम वे सामने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला नूं अनेरा बड़ा हो गया असी वे घुप अनेरा हो जाता कई बार कोई परवाह तो किसी शख्स ने पूछा अस सुनल कुबरा इमाम बैकी जी तीसरा जो कान जुलमत अल्लाह अनस इब्ने मालिक अनेरा बहुत हो गया आम अनेरे तो ज्यादा काला फातह इब्ने अब्बास अनस इब्ने मालिक फकुल तो या अबा हमजा हल्का ना युसीबुक मिस्र हाज़ा ला रसूल तो मैं हज़रत अनस को गया दस साल रसूला की खिदमत की ये सारे साहबा चो इस पारों मुमताज है कि खाद में रसूला माँ ने आंदा ही मदीने शरीफ लिया के उम्मे सुलैम ने देता दसा साल अल्लाह के रसूल है घर के कम कर तो माफ़ी तुहाडा ही खादम बस हजूर के घर बच्चे की तरह रहा जिथे भेजा कम किए खाद में रसूला मुसलमाना ने अच्छा किया
बाद हज्जाज ने दे चे लोहे का ठप्पा ला के अखां तो अन्ना कर दिता। जुलम किते बड़े ये बेईमाना दी लोग उकारत कर दे, बेईमान लोग होए शुरू सदी जी जिन्होंने अल्लाह के नेक बंद तंग किया। हज़रत ने आख्या होया कि यहूदियों के नबी का खाद हुंदा उहदे पैर चुम के लोग चुमदे, मैनू आ बदला दिता तुहाडे नबी दी खिदमत दा सिरा होया कि इत्थे दम लाता मेरे मेरे पट्ठे सार दिते अखां तो अन्ना करता। तो आदमी ने पूछा कि अनस अबू हमदा उन्होंने कुनी अबू हमदा रसूल के जमाने च भी यहोजे नेरे होए हकारा माज अल्लाह। उन्होंने कहा यह जद की होना सी इन कान ते री लतद तन बादर अल मस्जिद मुखाफत अल क़याम। ये तो हुण इहो जिहा वेख के भी नहीं लोग डरते। उस विच इह सी बगैर हवा भी जरा तेज़ होई ना असी सारे मस्जिदां नूं दौड़ जांदे सी और जाके नमाज च लग जांदे सी। भी हवा तेज़ नहीं हुई कर दित्ती, इशारा किया कि हासिल भी बन सकती उदा जी तेज़ भी हो सकती। इन्हें मकान उड़ाते सी, सारे बिल्डिंगा उड़ाती सी, असी मस्जिदां नूं दौड़दे। यह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तरफों गवर्नर सी बसरे दिन, उस वेले भी ज़लज़ला आया। अन इब्न अब्बास अन्हु सल्ला फी ज़लज़लतिन बस, और जदों उठ खड़े होए बेईमान भी नहीं है कुदरती छाया सारा तो दीन का पठा बिठाता, किसी ने नमाज ना पढ़ी, कोई रब अगे ना चुकया, सारी गल का जरा मजा खराब करता। तो ज़लज़ले की नमाज इब्न अब्बास रज़ी ने पढ़ी फातल कुनूत, बहुत देर तक क़याम किया, सुम्मा रका फिर रुकू किया, सुम्मा राफा रासो फिर सर चुकया फातल कुनूत, फिर बड़ी किरात की सुम्मा रका फिर रुकू किया, सुम्मा राफा रासो फातल कुनूत सुम्मा रका फिर, यानी तीन तीन रुकू फसा जदा फिर सजदा किया, सुम्मा कारा फिसानिया कामा फिसानिया ते फफारा कदार, दूसरी रकत भी उठे थे नहीं तीन रुकू दो सजदे, फसारा सलात सिता रकात अरबा सजदात, उन्होंने नमाज दुआ रकत छे रुकू होए चार सजदे। और नाल इब्ने अब्बास ने फरमाया हा कदा सलात लाजात, एक कभी गल का नहीं, जदों भी वेखो भूचाल आ गया, ग्रहण लग गया, हवावां तेज़ हो गई, कुपनेरे कोई काम खराब हुंदा नज़र आउंदा ना, बारिश भी वधदी नज़र आउंदी, नमाज दी तरफ दौड़। और उहदा फरमाया इहो तरीका ये है ऐसी डरावनी निशानियों की नमाज। और नाल ही एक होर वाकया भी लिखिया, मौतां हुंदियां रहिंदियां मगर अल्लाह दे रसूल अलैहि सलाम दी बीवी फौत हो गई, उम्र मोमीन का इंतकाल हो गया। रसूल्ला जदों दुनिया तो गए नौ जिंदा सी, मेरी तुहाड़ियां मावां सी, कुरान ने आख्या कि नबी दी बीवियां उम्मत दियां मावां मावां सी, मावां दा बड़ा लिहाज किया। हज़रत उमर रज़ी ने वजीफे लाते और सब तो ज़्यादा नेक सलूक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी ने किया, बड़ी दौलत रब ने उन्होंने दी सी, उन्होंने नहीं भुलाया, जाके एक हज़ूर दी बीवी नूं अनगिनत देंदे सी, चाहे वह फिर गरीबां मस्कीनां नूं लुटा दिंदियां सी, मावां ही सी उम्मत दियां जिहड़े लोग जांदे सी उन्हां दी मदद करदियां सी। तो हज़रत आयशा रज़ी ने फिर हज़रत अब्दुर्रहमान लई बहुत दुआवां कीतियां कि जिवें तू साडा ख्याल कीता अल्लाह जन्नत विच तेरा ख्याल करे। तो हज़रत सफ़िया दा इंतकाल हो गया। कीला इब्न अब्बास मात फुराना तो बाद अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने दस्या हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी ने कि रसूल्ला दी एक बीवी फौत हो गई, फखर्रा साजदन, हज़रत इब्न अब्बास सजदे ही डिग गया। फकीला लव तस्जुद हाज सजदा हाज सा, तो फरमाया तुसी केड़ा सजदा इस वे कीता की गल हुई, फकाला काला रसूला सरसम रैत माया तन फसजुदू, फरमाया अल्लाह दे रसूल ने आख्या जदों भी रब की कुदरत की कोई निशानी वेखो ना, रब अपना होना विखावे तो सजदा करो। वाई आया तन आजम में नजहाब अजवाज नबी सरसम, और हजूर की बीवियां का साढ़े तो बिछड़ जाना जोड़ा इतों व्डा हादसा की होना, रसूल्ला दी बीवी का चला जाना इस तो बड़ा निशान अखां खोलने की है। बे पैगंबर का घर जिहड़ा उहदे जिवें अल्लाह दे रसूल दी बीवी चली गई, इसे तो अल्लाह दे रसूल अलैहि सलाम ने खुद भी एक हदीस पाक फरमाया बै जदों मेरे किसी उम्मती नूं कदी कोई मुसीबत पेश आवे उहदा बच्चा मर जाए दामाद मर जाए कोई होर फल यज़कुर मुसीबत, वह मेरी मुसीबत नूं याद करे कि रसूल्ला दुनिया छड़ गया कि नहीं, फातिमा रोंदी रह गई, साहबा किन्ने बेहोश होके, अब्दुल्ला बिन उमैस दी जान ही निकल गई। तो जदों अल्लाह दे रसूल ही रहे, एक आलम दे बारे मैं किताबां पढ़िया कि वह जदों आवाज़ करते सी ना आवाज़ दे अंदर ए शेर जरूर दोहराउंदे सी, नबी मुहम्मद रहा ना इत्थे जो महबूब खुदाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुहम्मद रहा ना इत्थे जो महबूब खुदाई, ऐ जिंदगी ऐ जिंदड़ी तू जीवन लोड़ है किस बाबल दी जाई, तू किस बाग दी मोई है भाई, जिथे अल्लाह दे रसूल छड़ गया इस दुनिया नूं, हजूर दी अज़वाज़े मुतहरात चलिया गई, तो फरमाया ए अल्लाह दियां बहुत बड़ी अपनी कुदरत दी निशानियां, क्यों किवें लै जा रहे हैं। तो अल्लाह दा दीन ते ये दसदा है कि जो शै वेखो शै तो पिछे फौरन उसे वे रब नूं वेख लो कि होया नहीं कीता, इस तो कुछ सीखो। जिन्हां नाल हादसा हो गया उन्होंने भी अल्लाह तआला ने मज़ा चखाता,
जिहड़े बचे आ उन्हां नूं थोड़ी जी मोहलत देती, बंदे बनना तो बन जाओ, तुहानूं थोड़ी जी वार्निंग देती है, तो ना बनोगे तो मैं कोई बेबस नहीं। ये सारी जमीन फिर मेरे कब्जे च आ, हवावां मेरे मतहत आ, बिजलियां मेरे को आ, जिथे चाहना ना मैं बिल्डिंगा च रुके, जड़े ना फी बरूज मशीला बड़े मजबूत किलियां खोपड़ी च मारनी है, उन्हें बहस ही करते रह जाना मेरा रब कितने आ, मैं विखा देना मेरा रब हैगा। इस तो सही नतीजा सीखो, अल्लाह के दीन वाल आइए, अपने आप को सही मान वेखन वाला बनाई, अन्ने ना रहिए, सुजाखे हो जाइए कि इस दुनिया के अंदर जिहड़ी शह नज़र आवे हर शह च रब नज़र आवे, जित वल फेर तरे रुख तेरा ते अपनी सिफत विखावे। स्पीकर वेखो, किताब वेखो, आलम नूं बोलदा वेखो, जमीन असमान वेखो, हर शायज वेखो, कला अल्लाह दियां कुदरतां तो जी कारीगरियां, अपने आप नूं जित वल फेर तरे रुख तेरा, जिधर नूं तेरा मुँह अल्लाह फेरदा अपनी सिफत विखावे। तू ये ना शह वेखी है, शह का बनाउण वाला वेख किड्डा आला कारीगर है, खुद वर वेख रकम पड़ सारी आखिर तीक शुरू, जे होर कुछ भी नहीं दिसदा तो अपना ही किसी को पुछ नहीं, भाई तू पानी का कतरा सी कितने रहा नौ महीने तो किदां दा निकलिया, तो उस की सी लूथरा तो हुण की बनया, लामा तो दैर तो सेठ तो फलाना, कोई हया कर, खुद वल वेख रकम पड़ सारी, किताब अपनी पढ़ आखिर तीक शुरू, मुढ़ों शुरू करके अपनी पढ़ लावे, कभी मिट्टी सी फिर वह पौधे बने, तेरे बाप ने खाधा उस पानी पैदा होया, वह रेम चला गया, उत्थे कैसी शह बन के निकल आला आंदा अनशान खलक नाखर। ए जो असं रोज़ वेने मुरदे जिंदा उन्होंने रोंदे आ भी मुरदे जिंदा, मुरदे तो रोज़ जिंदा हो रहे, पानी जिंदा होकर निकलते आते, ये चूंकि रूटीन वर्क रोज़ हों, हैरान है, हालांकि उस तो घट मौजा नहीं, मुरदा जरा जिंदा होना वह भी इदा ही अल्लाह ने कहा शायद जान पा दें, तो अल्लाह आंदा अनशान खलक नाखर, गया की सी तो निकलिया की आ, किदां दी शक्ल, किदां दे कान अखां सोरे और दिमाग लगे हुए, अनशान खलक नाखर, एक शह ही नवी बना के कर देने, मगर यह सब कुछ सुजाख्यान दिसदा, बाकी जड़े अन्ने हैं ना भावें पढ़े लिखे वो जहनम का बालन है, अल्लाह उन्हां चो ना करे, ये दानश्वर फलासफी जड़े इन्हां अल्लाह तला हिदायत दे, वरना इन्हां नूं गर्क कर दे, जड़े उम्मतां नूं इदां ही गुमराह कर दे, रहे नहीं नहीं इदां हुंदा रहा, और नाल आखिर ते वाकया सुनो भी ये इशारे हुंदे आ, ये अगली मंजिल आ जाए, बगदाद जदों तबाह होना सी और इन्ना होया भी 20 लाख चो 16 लाख आदमी कतल होया, दरियाए दिजला कई दिन खून का वगदा रहा, और मुसलमानों की 600 साल की सारी किताब जी दरिया छरती गई, और इनका नामो निशान मिटाता हलाकू खान ने 2 साल पहला जलजला आया, तूफान आया, दरिया का पानी शाही महला तक चला गया, मगर वजीर अमीर उठ कर नहीं बादशाह साहब मैं कुदरती छाया मत मारती, मुस्तासम बंदा ना बनया, तौबा नहीं की, बगदाद चाहे दिन लड़ाइया दखून रहा, इस महल शियां से हमला हो गया, अगले दिन उन्होंने सुनिया से करता, ए सुनी आपस जड़े वह हंबड़ियां पै गए, कोई अकल नहीं की, अपने झगड़िया च रहे, अल्लाह ने उस जलजला भी भेजा, तूफान भी आया, उन्होंने वजीर अमीर ने टालता कि नहीं अमीर मुमे एडे परेशान होने की गल नहीं, हलाकू आ गया, और वजीर आजम खुद गद्दार निकलिया, योजे गद्दार होंगे पता नहीं अपने मुल्क किन्ने, कितने मीर सादिक लैके बह गया, मीर जाफर लैके बह गया, अंग्रेज के कब्जे कराते, आज भी कुत्ते की मौत मरे, इबन अलकमी ने हलाकू आख्या तू आ जा, वजीर आजम ने और मुड़ के कहता कि बादशाह सलामत हूँ जंग नहीं हो सकती, बेहतर है तुम हलाकू ना सुला कर, भरा लैके बच्चों अमीरुल मोमिन बाहर चला गया शहरों, चाल सी हलाकू ने उसे आख्या मार लौत करी और आख्या शहर पैगाम भेज दे जेड़े जान बचा चाहते बहार आ दो हथियार सिर दो, 20 लाख बंदा बेचारा अमीरुल मोमिन के कहन से खलीफे थे कि जाना बचाओ, पहले पाकिस्तान निकल गया, उन्हें आख्या पारो लम्बे 16 लाख बंदा कतल होया, 3 दिन तलवार चलती रही, जेड़ा सिपाही ज्यादा चोटी लावे सिरा में उन्हें इनाम है, और जलजले तो सबकना लिया, तूफान तो सबकना लिया, टाल दिता भी इदा ही होंगी रही कख ना रहा, और साधी जैसे बंद फिर कहना प्यार होंगे निकलो का रोना ही होंगे, फिर जो लाशा हो रही होर की है, आस मारा हक बद गर खूंब बारत बरजनी बरज वाले मुल्क मुस्तासम अमीर अल मोमिन, उन्हें आख्या जे आसमान ने कितने खून बरसाना रोना तो अमीर अल मोमिन मुस्तासम की खिलाफत जान च रोए, बगदाद रहा कितने गया बागत महल और सारे चीज़ा बेचारा आंदा आसमान नूं चाहिदा बे खून ना रोवे, एडा वड्डा हादसा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम नूं आख्या है मुहम्मद द क्याम गर बरारी सर दे साक, ए अल्लाह दे रसूल जे दिन क्याम दे तू कबर चो निकलना ना सर बरार हो क्याम दरम्याने खलकमी निकल कबर पाक चढ़ वेख ला उम्मत ते की क्यामत होई, 16 लाख बंदा वड्या पिया हर दरिया जिहड़ा खून का वगदा, इस तो अल्लाह आंदा नोटिस देना तुहानूं मगर कमबख्त तुहाड़ियां अखां ते पट्टियां बदियां ना, तुहाडे चालाक मकार बेईमान खाण वाले जिहड़े ना विच्चों उठ खड़ोंदे आ कि नहीं ये कुदरती साधन है,
कुदरती जाने कोई नेचर अंदिश है ना, अल्लाह ने जिते ही कर दिता। अल्लाह सुजाखा आलम फाजल रहीम हकीम चला रहा है, वो अंधा बंद कोई काम कर रहा, सब करी लेंगे तो सब हासिल करना है सुजाख्या का काम है। तो जेडे जिन्ना बड़ी मर्जी पढ़े लिखे हूँ टाव जाना बे कुदरती अफात है, वह मलून समझो, डंगर तो भैड़े समझो, इंसान की शक्ल शैतान समझो। वाखिर दावन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिही सहाबियन। अल्लाहु अकबर जी, अलहम्दुलिल्लाह व सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना सफा। ये हम दुआवां वगैरह जड़े ना सवाल बहुत ज़्यादा आ गए, वक्त थोड़ा रह गया, जिन्हों का हो सकता इंशाल्लाह आज जवाब दूंगा, फिर संभाल लेना इंशाल्लाह बाकी पे। और कुछ फतावा ऑनलाइन से भी भेज दिया करो, तुम्हें पता है रमजान शरीफ रोज़ाना असर तो बाद मगरब तक प्रोग्राम हों, पूरे फैसलाबाद जो बगैर किसी मुआवजे तो तुम फोन कर सकते जे 0800 और 11 7 77 इस नंबर पर फोन करो, तुहाड़ी हर गल का जवाब मिलेगा नाल ही। तो दो दिन तो बाद फिर सीडीज़ केबलों पर भी चल दी, वो भी तुम सुन सकते, मगर दो दिन बाद आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, इफ्तारी के वक्त जो 3 या 4 मिनट देर से इफ्तारी करवाते हैं क्या ये दुरुस्त है? मेहरबानी होगी। ये हाजी अताउल्लाह साहब ने लिखा काम होया बड़ा ख़राब, कुछ लोग जोड़े वह टाइम टेबल वेख के ना 2 मिनट पहला अजान देंगे, बहुत कम खराब है, 2.5 मिनट पहला रोज़ा जोड़ा वो खुला देंगे, बुरा। ये असल च तलू और गरूब जरा मेरे भाओ शुरू हों, जिससे सूरज की टिक्की निकली सूरज अचानक नहीं बहर आ जाना, निकलना शुरू हों, और जोड़ा तलू आफ्ताब लिखा मतलब वह सिरा बहर आना शुरू हों, 2 मिनट और 24 सेकेंड चो निकलता पूरा। इदा ही गरूब जरा लिखा ना, ये खुदा का नाम मनो सारी मसलों दवाई दो भी, ये सिर्फ लिखा कि वह डुबना शुरू होया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिस्से डुबते जाते, इस वक्त के अंदर 2 मिनट और 24 सेकेंड पाओगे फिर वो बिल्कुल पुरसे आफ्ताब जरा टिकी गुम होगी, फिर पूरा ग्रुप होया। इस तो जल्दी अजान देने वाले भी कम खराब कर रहे, 2 मिंट अगों रोजे बर्बाद कर रहे 2.5, और कई जड़े एहतियात फसे है भी सही वक्त भी हो जाता मगरों आते नहीं, अजे शक जरा इन दूर के वह भी पागल है, जो वक्त हो गया यकीन हो गया फिर जल्दी करनी चाहिए इफ्तार, मगर ये 2 मिनट 24 सेकेंड हर मस्जिद दस जो कला के बंदे हो, जो नहीं अकल ये बिच पाओ, नहीं तो मैं सायरन का वेख्या भी शायद भी अद्धा सेकेंड या थोड़ा जा लेट कर सही बोलता, ए पहला सायरन जरा एक चंद्र थोड़ा जा देर ना बोलता, यह सही इस सवेरे भी और शाम को बिल्कुल जो सही वक्त ना फजरदार गुरूब का वो मुताबिक कहेंगे ये अमल करो, ये ठीक है। एक होर सवाल है मुर्तद की सजा मौत के मुतल जरा इंशाल्लाह संभाल के रखो अगली बारी के बारे में। एक होर सवाल है जो दरखास्त मेरे भाई है खुदाबख्श करियार साहब आए है, उन्होंने जरिए हम पता लगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे नाल ही उमरे से गया सी करियार साहब, उन्होंने आख्या भी तुसी भाई जो मौली साहब दसन करना गुलाम अहमद करियार साहब दो रमदान को फौत हो गए, उनके लिए दुआए मगफरत फरमाए इंशाअल्लाह, उन्होंने भी और मरहूमीन लिए भी करनी, जान वाले ने सब तो बड़ा तोहफा ही। किताब वक्त पर लिखे सबको याद रखो कि टूट सकती है फिर तुम पैक नई उस्ताद, करे जो पल में ये ऊंचे पलाजे सब बर्बाद। बहुत अच्छा किया खुतबे का निचोड़ कर दिया। मुतासरीन जलजला की मदद के लिए जिन हजरात ने तहरीक इस्लामी के फंड में रकूम जमा करवाई थी, नमाज जमा के बाद अपनी रसीदें ज़रूर वसूल कर लें, बाकी हजरात भी इस कार खैर में हिस्सा लें। मास्टर आबद साहब की तरफ ईरान पिछली बारी जिन्होंने पैसे जमा कराए थे रसीदा लैके जा, बाकी हजरात भी इस कार खैर में हिस्सा, अक्टूबर का माहनामा इफ्तकारी फकीरुल्लाह से हासिल करें, ये बच्चों ने तोहफा लेके जाकर। हमारे प्यारे वालिद साहब शेख हाजी हमीदुल्लाह साहब के लिए साहब फौजान के लिए दुआए मगफरत की दरख्वास्त, शेख साहब भी अपने दोस्त ही अल्लाह जन्नत जगह दे भी। मौलाना फकीरुल्लाह साहब भी तरफों रियाज़ुस्सालिहीन कससुल कुरान बेहतरीन एडिशन अली व हुसैन हमारी बादशाही 22 नुस्खे पढ़े हुए हैं, फरोख्त नहीं हो रहे, इनकी रकम भी देनी है, किताबें सारियाँ अच्छी हैं। रियाज़ुस्सालिहीन तो हर बंदे जिसे को है नहीं रखनी चाहिए, इमाम नबी ने ऐसा मजमुआ इकट्ठा करता, एक आदमी सही मुसलमान बनना चाहता ना विचों मैल कटी जाए, ये तो बेहतर मजमुआ नहीं, सूफी इज़म भी विचे तो हदीसा भी तो कायता भी, ये भी प्यारी किताब शायद ही सलाम किसी ने लिखी हो, दुआओं में यह रियाज़ुस्सालिहीन नेक लोगों के बाग ये लह रो बहुत प्यारी किताब, और कसुल कुरान भी मौलाना सिंह हारवी ने जिन्ना पैगंबरों के बारे झूठ सच मौलवियों ने रात साफ करके
पक्के ते सच्चे वाकया जिहड़े इसराइली रवायतों तों खाली ओह लिखे आ, यह भी किताब होनी चाहिए। यह दूसरा ऐलान मदनी साहब की तरफों बड़े अरसे के बाद मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब के खुतबात दो जिल्दों में छप कर आ चुके हैं। जिल्द अव्वल में बड़े अहम मौजूआत को बयान किया है, दूसरी जिल्द में सीरत-उन-नबी के तमाम मौजूआत का तज़किरा, इसके अलावा इश्क़ रसूल के तकाज़े और सारी चीज़ें। लेकिन तमाम साथियों से गुजारिश है कि वह इन कीमती मोतियों को ज़रूर हासिल करें और अपने अपने हल्के में इन दोनों किताबों को फैलाएँ। बिल्कुल देर तो शौक बंदे रखते थे भी लिखन चाहने चाहिए, तो दो जिल्दा आ गई खुतबात दी, ये मदनी साहब को तुम हासिल करो, बल्कि जिन्होंने अल्लाह ने सरबत दी ज़्यादा खरीद के अपने साथियों को तोहफा भी दे। बहुत कीमती शायर रमज़ान शरीफ अल्लाह नसीब फरमाए। ऐलान दे तारीख 21 अक्टूबर बरोज़ जुमा बाद नमाज तरावी ब मकाम जामे मस्जिद मुकर्रम अहले हदीस मुजाहिद टाउन जड़ावाला रोड फैसलाबाद दरस कुरान कारुल कुरान वायद शीरी बयान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद यकूब साहब फैसलाबादी मतलब हाँ। तो 21 अक्टूबर नूं जुमे वाले दिन नमाज तरावी तो बाद हो रहा मौलाना यकूब साहब दा मज़ाहिब आलम में तसव्वुर खुदा इस्लाम के बारे में गैर मुसलमों के 20 सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। यह जड़े लोग वेखते उन्होंने पता भी आउंदे आलम ऑनलाइन तो फिर वो डॉक्टर ज़ाकिर साहब पतले दुबले ईसाइयों यहूदियों हिंदुओं उन्होंने मजहब के मतलब हाफिज़ है उस वे नकद जवाब ने वेखन बिल्कुल सुखा जहाद नहीं, मगर अल्लाह ने ऐसा हाफजा दिता कि सब के दंद खट्टे करता। तो यह बहुत अच्छी गल है भी मदनी साहब एक किताब लिया 20 सवाल काफर के जो उन्होंने जवाब है और दसिया भी इस्लाम किहोजे अल्लाह दसदा। तो लोग आते जी अल्लाह सारे मनते, उन्हें आखिर खे मनते कि खुदा मनते हो जहाँ खुदा जरा उन्होंने कोई शरीफ आदमी मन सकता। यह गैर मुसलमान ईसाइया दूजिया लिए इस किताब में लैके जाओ बेहतरीन शायद यह रिसाला भी उसने कायनात आया या मैनू ही सिर्फ दे गया। अच्छा ये मेरा ही अच्छा तो इतकाफ दे दिन भी आ रहा है तो अल्लाह जिन्होंने तौफीक दे इतकाफ बह जान इतकाफ जरा उस सही गल है आ गए हौली हौली सारे पहला नहीं लोग मनते हाँ 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 ये की कहता फिर हौली हौली दिमाग दुरुस्त होता। हूँ बरेलवियाँ भी रसाले लिखते मौलाना सदीक हज़ारवी ने देवबंदियां लिखते एल हदीसां से शुरू भी करता भी दी फजर नूं ब्याह करो जे बहना नहीं बैठा जाता तो आराम ना रहो छड़ दिओ बहना तो कोई शाम नूं ना आवे शाम कितने नहीं दीन च लिखा आया फजर की नमाज पढ़ के हजूर बहिंदे इस तो भी दा रोज़ा रख के आओ फजर पढ़ो तो उत्थे जाओ बह और निकलना भी जरा फिर काले ना पिया करो। मदीने शरीफ च इतकाफ चलिया तो मां मर फरमाते कोई जाता घर नूं की करदे जे तुसीं फिर काले पै जे बुढ़ी याद आउंदी बच्चे आउंदे ये कम करे तो घरे रहिंदे हाँ जे सब कुछ छड के आ गए हुण सबर करो इत्थे कपड़े मंगाओ तो नहाओ तो ईदगाह नूं जाओ नमाज ईद पढ़ के जाओ। इमाम इब्ने कुदामा ने किन्ने नेक लोगों के हवाले दिते भी ईदगाह नूं गया बगैर कोई भी नहीं घर नूं जांदा तो जे इन्नी हिम्मत नहीं ना भाई होर नेकियां बड़ियां कर लो जे करना फिर धरना मार के बह जाओ वी दी फजर तो बह जाओ और ईद पढ़ के जाओ सही मसनून सही तरीका जरा तो दुआ एक दस देना एना दसा देना जो उन्होंने नागा नहीं करना हर रात उन्होंने पढ़ना भावें ईशा वेले पढ़ लो अगे लिखवाई है शायद बच्चों ने तकसीम ही की है मगर हुण नहीं सुस्ती करनी हर मर्द औरत दसा रात बिल्कुल इनू पढ़े आऊज़ बिजलाल वजह कलकरीन अई अनकज़ अन्नी शहरो रमज़ान और यतल अल फजर मिल लैलति हाज़ी वला का किबली ज़म्बुन और तबियतुन तुअज़्ज़िबुन लै ऐ अल्लाह तेरी शान दा वास्ता ही तू सारे कमालों का मालिक है कि रमज़ान शरीफ खत्म ना हो ते ना अज दी रात दा दिन ही चढ़े जदों के मेरे जिम्मे कोई गुनाह नहीं है कोई बात जिते तू मैनू सवाल करो रह जाए नहीं रहना चाहिए मैनू इस तरह पाक करके महीना खत्म कर के रमज़ान खत्म होवे ते मेरे जिम्मे जिन्ने ना मुतालबे खत्म हो गए कोई गुनाह ना रह गया होवे इस तो ये दिन भी चढ़े तद ते रमज़ान शरीफ खत्म होवे तद ही मेरे जिम्मे अल्लाह ताला तेरा कोई मुतालबा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल गुनाह भी माफ़ हो गए बड़ी दुआ है। और नाल इन दिन उम्र मोमिन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह पूछे अल्लाह दे रसूल लैलतुल कद्र दे दिन अगर आउन की पढ़ा फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़नी इन दिनों इस जिक्र से लग जाओ अल्लाह कबूल फरमाए रमज़ान शरीफ खैर खैरियत ना गुजरे आलम इस्लाम ते अल्लाह ताला अपना फजल करम फरमाए وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون